दोस्तों आज के इस युग में जहां कामोत्तेजक सामग्रियां हर किसी के लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध है, जहां छोटे छोटे बच्चे वीर्यपात करने लगे हैं, जिसका असर उन्हें तब नहीं दिखाई देता है जब उनकी उम्र होने लगती है, उम्र बढ़ने लगती है, और तब जो समस्याएं आमतौर पर दिखाई देती हैं वो है शीघ्र पतन और तनाव की कमी, वो सबसे प्रमुख है। और साथ ही शारीरिक तौर पर उनमें शक्ति का अभाव होता है, स्टैमिना का अभाव होता है, रक्त संचरण उनके गुप्त अंगों में अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके चलते तनाव की समस्या और अधिक भयंकर रूप लेती दिखाई देती है। तो दोस्तों हमारे पास इस विषय में बहुत अधिक मात्रा में फोन और मैसेज प्राप्त हो रहे थे, तो हमें लगा कि कोई ऐसी औषधि के बारे में आज हमें जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए जिसका प्रयोग निराश से निराश, गत ध्वज और शीघ्र पतन का रोगी भी कर सके और अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सके। तो बहुत ही लाभदायक जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो अंत तक देखते रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, और एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मैं हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि उपलब्ध जानकारी का प्रयोग, यहां पर उपलब्ध जानकारी का प्रयोग आप अपनी खुद की चिकित्सा के लिए ना करें। बेहतर रहेगा कि एक बार किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श आप अवश्य ले लें। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और थोड़ा विस्तार से जानते हैं इस औषधि के बारे में। दोस्तों इस औषधि का प्रयोग कर प्राकृतिक तौर पर यौन शक्ति में वृद्धि की जा सकती है, शरीर की कमजोरी को दूर किया जा सकता है, काम इच्छा में वृद्धि की जा सकती है। इस औषधि के प्रयोग से तनाव भी उचित प्रकार से लिंग में होने लगता है। इस औषधि को बनाने में सोने की भस्म, चांदी की भस्म, लोहे की भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म और पारद भस्म, जिसे कजली के नाम से आप जानते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ वंशलोचन और भांग के बीजों का प्रयोग किया जाता है। फिर इन सभी के मिश्रण को सतावर के रस की भावना दी जाती है। तत्पश्चात एक से दो रत्ती की गोलियां बना ली जाती हैं। जो भी लोग आयुर्वेद के जानकार हैं वो जान चुके होंगे कि मैं किस औषधि का जिक्र कर रहा हूं, परंतु जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, आपको इस औषध का नाम भी हम अवश्य बतलाएंगे। दोस्तों इस औषध के उचित प्रयोग से समस्त यौन विकारों को दूर किया जा सकता है। हस्त मैथुन या फिर अन्य किसी माध्यम से वीर्य का नाश करने के चलते उत्पन्न नपुंसकता के लिए, जननेन्द्रियों की स्थिरता के लिए, शारीरिक और मानसिक क्षीणता व दुर्बलता के लिए यह औषधि किसी अमृत से कम नहीं है। यह औषध कुछ दिनों के लगातार प्रयोग से शीघ्र पतन, लिंग के तनाव की कमी या फिर समाप्ति, और साथ ही साथ धातु क्षीणता और धातु संबंधी दोषों को दूर कर शरीर में एक नई ताकत पैदा कर देती है। यह प्रयोग अत्यंत अधिक वाजिकारक, स्तंभक और शक्तिवर्धक है। पुरुषों की स्तंभन शक्ति में यह बहुत अधिक वृद्धि कर देता है, नसों की कमजोरी को दूर कर नसों को ताकत प्रदान करता है, काम के प्रति इच्छा को पुनः जागृत करता है। परंतु दोस्तों इस औषध का नाम आपको बतलाने से पूर्व इस औषध को प्रयोग करते समय कुछ सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है, उनके बारे में पहले जान लेते हैं उसके बाद आपको नाम बतलाते हैं। सर्वप्रथम सावधानी, इस औषध को बिना चिकित्सक के परामर्श के आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इस औषध को बनाने में भांग और पारद की कजली जैसी कुछ ऐसी औषधियों का प्रयोग किया गया है जिनका लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, और यदि करने की आवश्यकता पड़े तो बिना चिकित्सक के परामर्श के तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। दूसरा, यह प्रयोग अत्यंत अधिक कामोत्तेजक है, तो बच्चों को इस औषधि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, और जितनी औषधि आपका चिकित्सक आपको परामर्श दे केवल उतनी ही मात्रा का प्रयोग करें, क्योंकि अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर कई बार चक्कर आना, घबराहट होना, कपकपी जैसी शिकायतें आमतौर पर देखी जाती हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे शुक्र वल्लभ रस के बारे में। कई लोग इसे शक्र वल्लभ रस के नाम से भी जानते हैं। इस औषधि को दूध या शहद के साथ एक एक गोली सुबह शाम प्रयोग किया जा सकता है, या फिर जैसा आपका चिकित्सक आपको निर्देशित करे आप उसी प्रकार इस औषधि का प्रयोग करें।
बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभकारी या औषधि है, परंतु यदि उचित मार्गदर्शन में इसका प्रयोग किया जाए तो। अतः बिना चिकित्सक के परामर्श के आप इस औषधि का प्रयोग ना करें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है और चाहते हैं कि आयुर्वेद की महिमा पूरे जग में फैले, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।